हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कोलॉइड्स क्या होते हैं इन्हें बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कि ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं इनकी प्रेपरेशन की किस तरह से जाती है। सो वाइडली यहाँ पे दो मैथड्स हैं, एक कंडेंसेशन मेथड और दूसरा डिस्पर्शन मेथड। सबसे पहले समझिए ये मेथड्स हम कब यूज़ करते हैं। देखिए कंडेंसेशन मेथड नाम से सुजेस्टेड है कंडेंस करना। तो देखिए अगर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, अगर पार्टिकल्स का साइज छोटा हो तो उन्हें कंडेंस करवाना पड़ता है आपस में सो दैट कि वो कोलाइडल रेंज में फॉल करें। तो ये मेथड हम तब लगाएंगे। कंडेंसेशन मेथड कब लगता है? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर वेरी स्मॉल एंड दे नीड टू कंडेंस सुटेबली टू बी ऑफ कोलाइडल साइज। कि इन्हें कंडेंस करके कोलाइडल रेंज में कोलाइडल साइज तक पहुंचाना पड़ता है। आफ्टर दैट डिस्पर्शन मेथड हम कब लगाते हैं? कि जब भी कोई सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स बड़े हैं साइज में, बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके तोड़कर उन्हें छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है सो दैट कि वो कोलाइडल डायमेंशन में फॉल करें। सो कंडेंसेशन में हमारे पास क्या है? स्मॉलर पार्टिकल्स को कंडेंस किया जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल्स को कंडेंस किया जाता है टू मेक बिगर पार्टिकल्स। बिगर फिर भी कितने, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, ये ना हो कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बिगर साइज़ के आप समझ लें, फिर तो वो सस्पेंशन में चले जाएंगे। सिर्फ इतने बड़े पार्टिकल्स, इतने बिगर होने चाहिए कि वो कोलॉइडल रेंज में आ सके। देन इसके अलावा मान लीजिए बड़े पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन के साइज़ के पार्टिकल्स हैं, तो उन बिगर पार्टिकल्स को अगर ब्रेक करके देन बिगर पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन। जब उन्हें ब्रेक किया जाए, डिस्पर्स किया जाए, तो जब इन्हें ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये होने भी, ये भी कोलाइडल रेंज के ही चाहिए। तो जब इन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो उन्हें कहते हैं डिस्पर्शन मेथड। तो हमारे पास वेरियस कंडेंसेशन मेथड्स हैं, वेरियस डिस्पर्शन मेथड्स हैं। इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कंडेंसेशन किन किन वेज से लाई जा सकती है, कंडेंसेशन मेथड किन किन तरह से यूज़ करके हम पार्टिकल्स को स्मॉलर साइज से कोलाइडल पार्टिकल के साइज तक पहुँचा सकते हैं। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन मेथड्स। सो सबसे पहले आप इनका मीनिंग नोट कर दीजिए, दैट कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन मेथड्स क्या है। आफ्टर दैट वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। यस डन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द कंडेंसेशन मेथड। तो देखिए सो कंडेंसेशन मेथड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन बाय केमिकल रिएक्शंस, कंडेंसेशन बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस करवा के हम कंडेंस कर सकते हैं छोटे पार्टिकल्स को इनटू द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। तो सबसे पहला है इसमें बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवा के कंडेंसेशन करवाई जा सकती है। देन इट कुड बी डन थ्रू रिडक्शन, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस का मेथड यूज होता है। देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो मैंने आपको दो मेन यहाँ पे मेथड्स बताए हैं, एक है कंडेंसेशन मेथड और दूसरा है डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में हम सबसे पहला मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास फर्दर चार वेज हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस
एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इन चार तरीकों से हम कंडेंसेशन करवा सकते हैं और ये चारों मेथड फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हेल्प से किस तरह से हम कंडेंसेशन करवा सकते हैं, कोलाइडल सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास H2S है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम इसमें ऐड करते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें ऐड किया, तब ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? व्हाट इट विल गिव अस? इट विल गिव अस 2H2O अलॉन्ग विद सल्फर सोल। देखिए, अब हाइड्रोजन के साथ सल्फाइड जुड़ा हुआ है, इसमें हमने ऐड कर दिया SO2। SO2 से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? H2 के पास। तो H2S किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। और ये जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं, सल्फर की हमें क्या मिल जाती है? अल्टीमेटली कोलाइडल सोल, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, सच एज ब्रोमीन वाटर। इफ टू H2S वी ऐड ब्रोमीन वाटर विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाएगा? H2S और Br2। देखिए, सल्फर जो है ये तो अलग हो जाएगा, H2 के साथ Br जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा HBr along with sulfur sol। तो इस तरह से सोल को प्रिपेयर किया जाता है by using the method of oxidation। Then we have the reduction method। रिडक्शन मेथड में देखिए क्या होगा। रिडक्शन, व्हाट डज रिडक्शन मीन? रिडक्शन का मीनिंग होता है, देखिए इसके ऑपोजिट चलेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, सच एज ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली द रिडक्शन। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास है AuCl3, राइट इसमें ऐड किया गया है SnCl2, AuCl3। देखिए, गोल्ड की यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड फॉर्म है, उसमें हमने ऐड कर दिया SnCl2। अब क्या होगा? SnCl2, देखिए टिन के साथ ऑलरेडी Cl ज्वाइंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जो क्लोराइड ऑयंस हैं, ये भी जब Sn टिन के साथ अटैच हो जाएंगे तो ये बनाएगा SnCl4, क्योंकि यहाँ पे जो टिन है ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। ये SnCl2 की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये SnCl4 की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो SnCl2 से क्या बन जाएगा? SnCl4, और साथ ही हमें मिलेगी गोल्ड सोल मिलेगी यहाँ पे हमारे पास। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें इन सच अ वे वी कैन बैलेंस इट, तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पे हमें बिल्कुल समझ में आता है। देखिए, SnSn के पास यहाँ पे कितने क्लोरीन है? पहले 6, राइट, और यहाँ पे गोल्ड के पास भी कितने हैं? 6। अब आफ्टर द रिएक्शन जितने भी क्लोरीन हैं, 6+6 12 थे, अब 12 के 12 क्लोरीन किसके साथ अटैच हैं? Sn के साथ, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है। और जो गोल्ड है, गोल्ड के एटम्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड करते हैं कोलोइडल सोल। जिस तरह से हम गोल्ड की सोल यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, इन द सिमिलर मैनर प्लैटिनम एंड सिल्वर सोल्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। प्लैटिनम और सिल्वर की सोल को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल मिलती है जब ही फेरिक क्लोराइड में हॉट वाटर ऐड कर दिया जाए। इफ टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ FeCl3
वी ऐड वाटर, वाटर नॉर्मली नहीं ऐड करेंगे, ना ठंडा पानी ऐड करेंगे, वी विल ऐड हॉट वाटर टू इट, राइट? FeCl3 जब रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ये क्या बनाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल हमें मिलती है व्हेन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 रिएक्ट्स विद हॉट वाटर अलोंग विद HCl. सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस मेथड. हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. So, if to concentrated FeCl3 we add hot water, we will get FeOH whole thrice along with HCl. Next है हमारे पास double displacement. Double displacement reactions तो आप class 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पे ions exchange किए जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, double displacement reaction. Double displacement reaction में अगर मान लीजिए हमारे पास aqueous solution है, we have aqueous dilute solutions. We basically need the dilute solutions of silver nitrate and sodium chloride. सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. देखिए अब यहाँ पे क्या है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. दे बेसिकली विल एक्सचेंज देयर आयंस. Ag Cl के साथ जाएगा और Na NO3 के साथ. व्हाट वी विल गेट? AgCl. सिल्वर क्लोराइड की हमें सोल मिलेगी अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3. तो ये है हमारे पास कंडेंसेशन मेथड में, प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के कंडेंसेशन मेथड में सबसे पहले कि कैसे हम यहाँ पे सोल्स, कोलाइडल सोल्स ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द केमिकल रिएक्शंस. नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट. By exchange of the solvent. देखिए इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ट्रू सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया जा सकता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में. यस दैट्स ट्रू, कि हम ट्रू सॉल्यूशंस को कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन ये कब होगा, कि जब भी हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है वो किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में उसे ऐड किया जाए जिसमें कि वो इनसॉल्यूबल हो. इसे आप एग्जांपल की हेल्प से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. अब देखिए जैसे हमारे पास सल्फर है, जो सल्फर है, सल्फर इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल. सल्फर एल्कोहल में सॉल्यूबल है बट इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की जाएगी कि सल्फर पानी में तो इनसॉल्यूबल नहीं है लेकिन एल्कोहल में सॉल्यूबल है. तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास सल्फर है, सल्फर में हम एल्कोहल डालेंगे क्योंकि ये इसमें सॉल्यूबल है, तो डेफिनेटली ये क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम इसमें ऊपर से ऐड कर दें वाटर, अगर इस ट्रू सॉल्यूशन में हम ऐड कर दें वाटर, क्योंकि वाटर में सल्फर इनसॉल्यूबल है, तो इसलिए ये जो पूरा हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ये जो पूरा, देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, वाटर. जब भी हम किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया हमने एज अ सॉल्वेंट, तो जब हम वाटर उसमें ऐड करेंगे एज सॉल्वेंट, तो वो तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. तो ये जो पूरा एक्वस सॉल्यूशन है, इट विल टर्न मिल्की. ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की. और मिल्की सॉल्यूशन जो है, मिल्की अपीयरेंस है यहाँ पे इस सॉल्यूशन की, ये हमें बताएगी कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो चुका है. तो देखिए यहाँ पे है बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट ही एक्सचेंज कर दिया,
सल्फर, सल्फर में पहले जब भी हमने अल्कोहल डाली, अल्कोहल सॉल्वेंट थी, क्योंकि सल्फर उसमें सॉल्यूबल था, तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन था। हमने सॉल्वेंट बदल दिया, हमने एक ऐसा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दिया, दैट इज वाटर हेयर। हमने ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर दिया जिसमें अब ये इनसॉल्यूबल है, सल्फर इनसॉल्यूबल है वाटर में, तो हमने वाटर ऐड कर दिया। तो जब वाटर ऐड किया तो ये जो सारा हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है ये मिल्की हो गया। मिल्की सॉल्यूशन यहाँ क्या शो कर रहा है, दैट कोलाइडल सॉल्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। डन। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट मेथड बाय एक्सेसिव कूलिंग। नेक्स्ट मेथड वी हैव बाय एक्सेसिव कूलिंग, मतलब एक्सट्रीमली ठंडा करना। इसे एक्सट्रीमली ठंडा करके हम कोलाइडल सोल बना सकते हैं आइस की। एक्सेसिव कूलिंग मेथड से कोलाइडल सोल ऑफ आइस कैन बी प्रिपेयर्ड। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पानी में ऐड करेंगे हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर। तो देखिए यहाँ पे पानी क्या है हमारे पास, पानी पोलर है, जबकि हम उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करने जा रहे हैं विच इज नॉन पोलर बाय नेचर। नॉन पोलर नेचर का सॉल्वेंट अगर हम ऐड करेंगे, जैसे कि ईथर हो गया, ईथर के अलावा आप क्लोरोफॉर्म ऐड कर सकते हो। तो जब हम एक पोलर, हमारे पास ये क्या है, वाटर पोलर है, वाटर जो कि पोलर है, जब हम उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे और इसकी की जाएगी एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाएगा। एक्सेसिव कूलिंग करने पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए पोलर में नॉन पोलर, इनका आपस में कोई सॉल्युबिलिटी का रिलेशन तो है ही नहीं, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाएगा इसे, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा टाइम के लिए स्टे तो करेंगे नहीं सल्यूशन में, बट ये एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आकर क्या बनाएंगे, कोलाइडल सोल। So, when water molecules aggregate together, तो ये मिलके आपस में क्या बनाएंगे, कोलाइडल सोल। तो इस तरह से एक्सेसिव कूलिंग का मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट कंडेंसेशन में हमारे पास तीन मेथड हैं। एक, कंडेंसेशन करवाई जा सकती है केमिकल रिएक्शन से। दूसरा, कंडेंसेशन करवाई जा सकती है बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। और तीसरा, बाय एक्सेसिव कूलिंग। अब केमिकल रिएक्शन के फर्दर चार तरीके निकल गए थे, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा हाइड्रोलिसिस एंड द फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ है हमारे पास कंडेंसेशन के। यहाँ पे ऑल इन ऑल तीन मेथड्स हैं, केमिकल रिएक्शन के फर्दर चार तरीके हैं। तो ये था हमारा प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय कंडेंसेशन मेथड।
So students, now we shall discuss the dispersion methods for the preparation of colloidal solutions. तो देखिए, colloidal solution की preparation के लिए जब हम dispersion method use करते हैं, इस method में बड़े particles को यहाँ पे disperse किया जाता है, break किया जाता है into smaller particles. तो यहाँ पे सबसे पहला method है हमारे पास by mechanical method of dispersion. Mechanical dispersion के through हम colloidal solution prepare कर सकते हैं. तो क्या रहता है इसमें, सबसे पहले जिस सब्सटेंस की हमें कोलाइडल सोल प्रिपेयर करनी है उसे ग्राइंड कर दिया जाता है सबसे पहले कोर्स पार्टिकल्स में. आफ्टर दैट इन कोर्स पार्टिकल्स में ऐड किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम सो दैट उनका एक सस्पेंशन बन सके. देन सस्पेंशन को ऐड किया जाता है कोलाइडल मिल में. सस्पेंशन इज एडेड टू द कोलाइडल मिल. कोलाइडल मिल में क्या रहता है, मेटालिक ब्लेड्स रहते हैं. देयर आर मेटालिक ब्लेड्स जस्ट नियरली टचिंग वन अनदर एंड मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड. तो देखिए, मेटालिक यहाँ पे ब्लेड्स हैं, मेटालिक ब्लेड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड दीज आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड. वेरी हाई स्पीड पे जब ये मूव करते हैं तो यहाँ पे जो कोलाइडल्स, यहाँ पे हमारे पास सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन ऐड की गई है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है. तो बेसिकली यहाँ पे चीज यही है कि जब भी हमारे पास सब्सटेंस है इन द बिगर फॉर्म है, पहले उसके कोर्स पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, डिस्पर्शन मीडियम ऐड करके उसका एक बार सस्पेंशन तैयार हो जाए, उसके बाद उसे ऐड किया जाएगा कोलाइडल मिल में. उसके बाद कोलाइडल मिल में ऐड करने के बाद जो सारा काम है यहाँ पे इन मेटालिक डिस्क का है, मेटालिक ब्लेड्स का है, जो कि बहुत ही तेज स्पीड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. एंड व्हेन दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड, ये इस सस्पेंशन को और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मीन्स ये कोलाइडल रेंज में फॉल करवाते हैं उन पार्टिकल्स को. सो बेसिकली इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है ब्लैक इंक. पेंट्स, वार्निशेस. सो ये चीज़ें प्रिपेयर की जाती है मैकेनिकल डिस्पर्शन से. मैकेनिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है. तो ये है हमारे पास सबसे पहला मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. नेक्स्ट मेथड वी हैव इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड. तो सबसे पहले आप इसका पूरा सेटअप समझिए क्या है, आफ्टर दैट आपको इस प्रोसेस को समझना और ईजी हो जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये मेथड कब यूज़ किया जाता है. इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. अगर हमें गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम की कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रेडिक आर्क मेथड को यूज़ करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले इस ये जो पूरा मेथड है, आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड. अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं. अब देखिए, हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं दैट इट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड. डेफिनेटली वी विल मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने के लिए, तोड़ने के लिए. तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगी और एक रहेगी नेगेटिव पोटेंशियल पे. आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बीकर्स हैं, एक बीकर में हमारे पास वाटर है और दूसरे बीकर में है हमारे पास आइस. सो बेसिक हमारे पास चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स, वाटर एंड आइस. अब पर्पस देखिए, देखिए सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखिए दैट कि अगर मान लीजिए हमें गोल्ड सोल प्रिपेयर करनी है, अगर हमें गोल्ड सोल प्रिपेयर करनी है तो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी किसकी होनी चाहिए, गोल्ड की. तो हम वही इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, उसी मेटल की इलेक्ट्रोड्स यूज़
करेंगे जिसका हमें कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है. सो वी हैव टू मेटल इलेक्ट्रोड्स. मेटल इलेक्ट्रोड किसकी होंगे जिसका हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है. एंड दीज टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम. आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे इमर्स किया गया है, यहाँ पे डिप किया गया है इन दी इन व्हाट इन दी डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे क्या है इस वक्त हमारे पास? वाटर. तो देखिए क्या होगा, जब ही बहुत ही हाई वोल्टेज आएगी, हाई वोल्टेज आने पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होगी. क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक आर्क. इलेक्ट्रिक आर्क, खुद सोच के देखिए, रॉड्स लगी हुई है, बहुत तेज वोल्टेज आ रही है दोनों रॉड्स में. अब देखिए, एक रॉड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एक रॉड नेगेटिव पोटेंशियल पे है, बहुत हाई वोल्टेज है. हाई वोल्टेज होने पे उनमें एक आर्क पैदा होगी, चिंगारी पैदा होगी, ये चीज कह लीजिए. अब जब ये इलेक्ट्रिक आर्क आएगी, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. एक्सटेंसिव heat will be produced due to what? Due to electric arc. तो जब इलेक्ट्रिक आर्क के कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो रॉड है, रॉड देखिए पूरी गोल्ड की बनी हुई है, तो ये जो गोल्ड की रॉड है, इस रॉड से जो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से इस रॉड से ब्रेक होने शुरू होंगे. और देखिए ये हीट इतनी ज़्यादा है कि ये हीट क्या करेगी, हीट मेटल को किस में कन्वर्ट कर देगी? उसके वेपर्स में. मेटल के क्या बन जाएंगे? वेपर्स. क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा हीट होने के कारण. तो देखिए, अगर मेटल के वेपर्स बन गए, ये तो सराउंडिंग में चले जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. तो इन वेपर्स को वापस से कंडेंस करवाया जाएगा. वेपर्स को क्या करवाया जाएगा? कंडेंस. वेपर्स को कंडेंस करवाने के लिए देखिए यहाँ सराउंडिंग में क्या अवेलेबल है? आइस. ये हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है. दिस इज़ द डिस्पर्शन मीडियम, दैट्स वाटर. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो जब इस मेटल के वेपर्स बनने शुरू होंगे, उन वेपर्स को कंडेंस करने के लिए यहाँ ये जो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, इसे ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए यहाँ पे टोटली क्या अवेलेबल है? आइस. बहुत सारी आइस है जो कि इस सॉल्यूशन को ठंडा रखे, और ये जो वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ से वेपर्स बनने की कोशिश करेंगे मेटल की, वो क्या होंगे? इस यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम में अपने आप को कंडेंस कर लेंगे. और जब ये छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स इधर उधर पूरे सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? उस मेटल की सोल. अब जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जब डिस्पर्शन मीडियम में सभी साइड पे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? गोल्ड सोल. इसी तरह से गोल्ड की एक सोल होती है जिसे हम कहते हैं पर्पल ऑफ कैसियस. वी कॉल्ड इट एज पर्पल ऑफ कैसियस. पर्पल ऑफ कैसियस, इट इज अ सोल ऑफ गोल्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिंग्स आर्क मैथड. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेडिंग आर्क मैथड से हम क्या बना सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर द सोल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. और यहाँ पे गोल्ड सोल का नाम क्या है? पर्पल ऑफ कैसियस. अब ये देखिए, ये चीज है यहाँ पे, तो आप कोई भी, अगर मान लीजिए सिल्वर की सोल बनानी है, तो यहाँ पे जो रॉड्स रहेंगी वो सिल्वर की रहेंगी. तो जब बहुत ही हाई वोल्टेज पास की जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी. इलेक्ट्रिक आर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से जो मेटल है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि उसके वेपर्स बनेंगे. वेपर्स को कंडेंस करवाने के लिए, मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम को ठंडा रखने के लिए, इसके सराउंडिंग में बहुत सारी आइस अवेलेबल है. आइस के प्रेजेंस के कारण ये जो वेपर्स बनते हैं, ये वापस से कंडेंस हो जाते हैं, और ये पूरे डिस्पर्शन मीडियम में इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मिलती है हमारी कोलाइडल सोल.
अब इस कोलाइडल सोल को स्टेबल करवाने के लिए, कोलाइडल सोल को स्टेबल करवाने के लिए इसमें ऐड किया जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इनका काम क्या है, दीज आर देयर टू स्टेबलाइज दी सोल। तो देखिए सोल बन गई, उसका स्टेबल होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स डिस्पर्स ना होकर एक दूसरे के साथ मिलकर दोबारा से गोल्ड के एक बिगर पार्टिकल बनाना शुरू कर दे तो वहाँ चीज़ तो ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि मेटल के वेपर्स कंडेंस होके क्या बनाएंगे, सोल, और सोल को स्टेबल कौन करवाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि इस मेथड में आर्क पैदा होती है, इसलिए इस मेथड को कहा जाता है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। एल्स वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द डिस्पर्शन पर्पस, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन भी कहा जाता है। दिस मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसका जो सेटअप है, सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमेशा याद रखें कि यहाँ आइस का काम क्या है। आइस का काम यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम को ठंडा रखना है, सो दैट कि जो वेपर्स हैं यहाँ पे मेटल्स के, उन्हें कंडेंस करवाया जा सके। आफ्टर दैट व्हाई डू वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने का यहाँ पे पर्पस है कि जो हमारे पास सोल बन रही है उस सोल को स्टेबलाइज किया जा सके। आफ्टर दैट ब्रेडिग्स आर्क मेथड किन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है, किन की सोल बनाने के लिए। सो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम तीनों की सोल बनाई जा सकती है इस मेथड से। गोल्ड की सोल का यहाँ पे स्पेसिफिक नेम है पर्पल ऑफ कैसियस। इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट डिस्पर्शन मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन। नाउ व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन का मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल रेंज में लेके आना, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। अब उसे कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? बाय द एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके अगर हम प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रोलाइट सूटेबल होना चाहिए, दूसरा उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। वी शुड यूज़ दैट इलेक्ट्रोलाइट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन? वी कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ये प्रोसेस है कन्वर्ट करने की अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, वी हैव FeOH होल थ्राइस। अब इसमें मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटू कोलाइडल सोल। सो ये चीज़ है, FeOH होल थ्राइस क्या है? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। पहला क्वेश्चन कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्यों यूज़ किया? रीज़न बीइंग कि जब प्रेसिपिटेट्स फ्रेश होते हैं उन्हें डिस्पर्स करना, तोड़ना बहुत आसान रहता है, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट फॉर देयर इजी डिस्पर्शन। इनकी आसानी से डिस्पर्शन हो जाती है। अब इसमें ऐड किया FeCl3। FeCl3 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट। सो अब क्वेश्चन तो ये है कि जब हमने FeOH होल थ्राइस में FeCl3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो गया? तो अभी आप देखिए यहाँ पे FeOH होल थ्राइस में जब भी हम ऐड करते हैं FeCl3, तो देखिए FeCl3 क्या बनाता है? Fe3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड, राइट? अब क्या होगा? देखिए ये जो हमारे पास FeOH होल थ्राइस है, दैट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट FeOH
होल्ट्राइज दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड. अब क्या होगा, यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे ये जो Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे. इसके पूरे सरफेस पे क्या एड्सॉर्ब हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव आयंस. देखिए सभी जगह क्या होते जा रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब होते जा रहे हैं. तो ये देखिए सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया. तो जब ये Fe3 पॉजिटिव आयंस एड्सॉर्ब होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड व्हेन दे रिपेल ईच अदर इनकी रिपल्शन की वजह से ये जो प्रेसिपिटेट है इसकी डिस्पर्शन हो जाती है, ये टूट जाता है एंड इट जस्ट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. और ये कोलाइडल सोल की कैटेगरी में फिर फॉल करता है क्योंकि इसकी यहाँ पे डिस्पर्शन हो चुकी है ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम FeCl3, और FeCl3 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट. तो इसलिए हम कहते हैं एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं जिसका आयन यहाँ इस प्रेसिपिटेट के आयन के साथ हमारे पास कॉमन में है, राइट. तो देखिए यहाँ पे क्या है, FeOH होल साइज. अब ये भी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चलता है कि Fe3 पॉजिटिव आयन ही क्यों यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ है, Cl नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब क्यों नहीं हो गया, आयन तो वो भी है. तो यहाँ पे जो बेसिक्स है एक रूल रहता है हमारे पास, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे करते जाएंगे डेफिनेटली वो रूल हमारे सामने आएगा, लेकिन आज मैं आपको उसका हिंट डेफिनेटली दे देती हूँ सो दैट कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. देखिए व्हेन वी हैव फेरिक हाइड्रोक्साइड, अगर हम देखें कि ये क्या आयंस बनाएगा, ये बनाएगा Fe3 पॉजिटिव अलोंग विद OH नेगेटिव आयंस, एंड FeCl3 क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन. जो Fe3 पॉजिटिव आयन है ये क्या है, दिस इज द कॉमन आयन, दोनों का आयन कॉमन है और जनरली एड्सॉर्प्शन उसी आयन की होती है जो कि कॉमन हो, राइट. तो ये चीज है हमारे पास. तो FeOH होल थ्राइस यहाँ पे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसके सरफेस पे क्या एड्सॉर्ब हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव आयंस. ये कहाँ से आए हैं, फेरिक क्लोराइड से. फेरिक क्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट. नाउ वी जस्ट स्ट्रेस ऑन टू दिस थिंग कि हमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है, कम अमाउंट में ऐड करना है. क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी ज्यादा अमाउंट लेंगे तो जो ये जो ऑपोजिटली चार्ज हैं, जो Cl नेगेटिव आयंस हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जब ये भी होंगे तो ये क्या करेंगे, इन Fe3 पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे और डिस्पर्शन जो है वो इफेक्टिव मैनर में नहीं होगी. सो ये चीज है, इन चीजों का ख्याल जरूर रखें. तो पेप्टाइजेशन क्या है, पेप्टाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडल सोल में. क्या ऐड करके, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके. इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड करना है इन स्मॉल क्वांटिटी. अब पेप्टाइजेशन होने का कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन. कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है कि यहाँ पे सिमिलर चार्ज के जो आयंस हैं, जैसे कि इस केस में Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं, सिमिलर चार्ज के आयंस एड्सॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे और जब इनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन के कारण ये जो प्रेसिपिटेट है उसे डिस्पर्स कर देंगे, तोड़ देंगे, और ये जो हमारे पास पूरा सब्सटेंस है इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो ये चीज है. नाउ व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं. किस तरह से, एक तो सिंपल क्वेश्चन रहता है व्हाट इज पेप्टाइजेशन, राइट इट्स कॉज, कि पेप्टाइजेशन क्या है इसका कारण बताइए. दूसरा, एक्सप्लेन दी कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन के कॉज को एक्सप्लेन कीजिए. तीसरा, व्हाट विल हैपन,
क्या होगा व्हेन FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड, कि अगर फेरिक क्लोराइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड में ऐड किया जाता है तो क्या होगा. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओवरऑल टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैं इस टॉपिक पे बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ. आप भी इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझें, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट भी कर लें. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.